जमाना 6 सितंबर का दिखाया गया है सबसाने में, ठीक है, यानी
ड्रामे में जो जमाना है वो 6 सितंबर का दिखाया गया है। इसमें देखिए पूरा सबक तो मैं आपको नहीं पढ़ के बता सकती, आप उससे पढ़िएगा, ये बिल्कुल कहानी की तरह है और आप आसानी से इसको पढ़ लेंगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। होता इस तरह है कि इस सबक में मिर्ज़ा दीन ने शहादत के अजीम रुतबे का जिक्र किया है। रजिया जो कि इस सबक का अहम किरदार है अपने भाई की शहादत के गम में अफसरदा और निढाल बैठी और इस इंतजार में कि इसका भाई लौट कर आएगा, जिसने 1965 की भारत जंग में जाम शहादत पेश की थी। खुदा की राह में जान देना लाफानी जज्बा है, इसका कोई मोल नहीं, इसका इनाम हमें ऊपर जाके ही मिलता है जो शहीद होता है उसे। तो इसमें बताया गया है कि जावेद जो होता है उसकी सालगिरह का दिन 6 सितंबर को ही होता है और वो दिन उसकी बहन सालगिरह मनाने के लिए बहुत एहतमाम करती है और फिर अचानक से उसको उसका बुलावा आ जाता है महास पर जाने के लिए और वो सालगिरह की तकलीफ छोड़कर अल्लाह की राह में कुर्बान होने चला जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी बहन जो होती है वो अपने दिमाग में उसको अपने भाई को कभी मरता हुआ तस्वर नहीं करती। तो जब दूसरा साल आता है उसकी सालगिरह का ही दिन होता है तो वो उस दिन अपने भाई के वो सालगिरह के दिन को याद करती है और वो ये सोचती है कि उसका भाई जिंदा है, अभी यहाँ बैठा है, अभी उससे बातें कर रहा है। और फिर वो थोड़े थोड़े से इसमें आपको सबक में भी दिया गया है कि वो थोड़ी सी नफसियाती तौर पे शोर करने लगती है कि भाई आया था, अभी बैठा था, मैंने उसके गले में हार डाला था और वो हार बनवाती है अपने भाई के लिए सालगिरह में डालने के लिए। और जब वो शहादत के लिए जा रहा होता है महज पर अपने ड्यूटी पर जा रहा होता है तो वो उसे रोकती है, कहती हार पहन लो, लेकिन उसका भाई कहता है मैं आकर पहनूंगा। तो उसके जहन में ये होता है, रजिया के जहन में, और वो चाहती है कि उसके जहन में ये होता है कि मैं अपने भाई को हार जरूर पहनाऊंगी। फिर वो उसकी तस्वीर में हार डालती है, ठीक है। तो इस तरह ये उस दिन को याद करके फिर उसके उसका बाप उसे समझाता है कि तुम्हारा भाई जो है वो शहादत के रुतबे पर फैजियाब हुआ है और देखो जो शहीद होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, तुम जो कह रही हो तुम अपने भाई को देख रही हो तुम्हारा भाई नजर आ रहा है तो बिल्कुल ये तुम्हारा ख्याल है, वहम है, लेकिन शहीद जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो मरते नहीं है। यही सबक का पैगाम है कि शहादत एक सआदत है जो दुनिया में बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है उनके हिस्से में आता है और जो लोग अपने अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देते हैं शहीद होकर। और कुछ लोग अपने मुल्क की बका और मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, वो भी शहीद कहलाते हैं। और शहीदी हकीकत है कि शहीद कभी जिंदा, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी मरते नहीं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ठीक है। तो बेटा ये सबक आप पढ़िएगा घर में अच्छी तरह, फिर जब इंशाअल्लाह हमारी क्लासेस दोबारा शुरू होंगी और स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस सबक को दोबारा आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका काम जो है ना मैं पीडीएफ की सूरत में आपको भिजवा दूंगी। अभी जो आप ये सबक पढ़िएगा इसके अल्फाज मायने को याद कर लीजिएगा और अजीब का जो तारुफ है ना इस सबक के मुसनिफ का, इस तारुफ को भी आप अंडरलाइन करके बहुत सारी चीजों को, जैसे मिर्जा अली का नाम मिर्जा दिलावर हुसैन है, कलमी नाम मिर्जा अली है, बेटा ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मालूमात जो है वो आपको याद होना चाहिए। आप जब स्कूल आएंगी खुलने के बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तो मैं आपसे दोबारा हम आपसे पूछेंगे कि आपने वहां पे ये काम किया है या नहीं किया है और कॉपी में काम करने के लिए रजिस्टर में काम करने के लिए हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। आप पीडीएफ में से इसके मशक सवालात किताब के जो है वो कर लीजिएगा, जैसे इसके सवाल जवाब हैं, इसकी जुमलों की वजाहत है, इसके जुमले हैं और जो भी चीज़ है कॉलम में मिलाना है पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से और जुमलों की वजाहत भी है इसमें। जुमलों की वजाहत तो मैंने बेटा देखो आपको बताया भी है कि किस तरह करते हैं और करने के बाद मैं हमेशा हर सबक से एक जुमला आपको होमवर्क भी देती हूँ। तो अभी ये सारा मैं तो अभी आपको यही काम दूंगी जो पीडीएफ में जाएगा आपके रजिस्टर में जो मशक में मौजूद है, फिर आप जब इंशाअल्लाह ताला आएंगे ना हमारे पास दोबारा तो ये काम मैं आपसे दोबारा एक एक जुमला करवाऊंगी जितने भी सबक हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे।
दोबारा से भी कुछ ना कुछ हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला किसी गजल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होगी। उस वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दिल लगा के पढ़िएगा, अच्छा अच्छा पढ़िएगा, काम बहुत सफाई से और खूबसूरत तरीके से कीजिएगा, ठीक है। और इरफान मैंने जरूर याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।